अभिनेता सलमान खान का उनके पनवेल वाले फार्म हाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ के साथ चल रहा प्रॉपर्टी विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सलमान खान ने अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ से सवाल किया है कि प्रॉपर्टी विवाद में वह मेरे धर्म को बीच में क्यों लाए, जिससे कि सब जानते हैं कि सलमान खान पर उनके बुजुर्ग पड़ोसी ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। तो वहीं सलमान खान ने भी अपने पड़ोसी के खिलाफ मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया हुआ है। इसके साथ ही सलमान ने कोर्ट से अपील की है कि वह केतन कक्कड़ को YouTube पर से वो सारे वीडियो डिलीट करने का आदेश दें जिसमें उन्होंने एक्टर और उनके परिवार के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही हैं। गुरुवार को अदालत में एक बार फिर इस मामले की सुनवाई हुई है। गौरतलब है कि पहली सुनवाई में अदालत ने सलमान को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और केतन कक्कड़ को अपना पक्ष रखने के लिए 20 जनवरी की तारीख दी थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में सलमान खान ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में कहा कि प्रॉपर्टी विवाद में केतन कक्कड़ उनके धर्म को क्यों घसीट रहे हैं। सलमान खान की तरफ से दलील दी गई कि प्रॉपर्टी के झगड़े में आप मेरी व्यक्तिगत छवि को क्यों खराब कर रहे हैं, आप मेरे धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं। मेरी माँ हिंदू है, मेरे पिता मुस्लिम और मेरे भाइयों ने भी हिंदुओं से शादी की है, हम सारे त्योहार मनाते हैं। इसके साथ ही सलमान के वकील ने अदालत के सामने केतन कक्कड़ के वो सारे पोस्ट और इंटरव्यूज भी पढ़कर सुनाए जिसमें उन्होंने एक्टर के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। सलमान के वकील ने बताया कि केतन कक्कड़ ने सलमान पर डी गैंग के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। सलमान खान और उनके परिवार के धर्म पर भी कक्कड़ ने निशाना साधा है। केतन कक्कड़ ने सलमान को केंद्रीय सरकार और राज्य स्तर के मंत्रियों का भी करीबी बताया है। इतना ही नहीं, केतन कक्कड़ ने सलमान पर बच्चों की तस्करी में शामिल होने और उनके फार्म हाउस में फिल्म स्टार्स की लाशें गड़ी होने के भी बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। सलमान खान ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ये सारे आरोप उनके पड़ोसी के दिमाग की उपज हैं, जिनका कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। बता दें कि ये पूरा विवाद सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस अर्पिता फार्म हाउस के बगल वाले एक प्लॉट को लेकर है। दरअसल अमेरिका से आए बुजुर्ग दंपत्ति केतन कक्कड़ और उनकी पत्नी अनीता कक्कड़ ने पनवेल में साल 1995 में 27.5 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। उन्होंने ये जमीन घर, आश्रम, मंदिर बनाने के मकसद से खरीदी थी, लेकिन बाद में इसे संबंधित वन विभाग द्वारा अवैध माना गया। वह भूमि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रद्द कर दी गई थी, लेकिन केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि ये सब सलमान खान के निर्देश पर हुआ है। उनके कहने के बाद ही भूमि को अवैध माना गया था और वन विभाग द्वारा कथित रूप से रद्द कर दिया गया था।